अमिताभ और जया बच्चन आज अपनी 46वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जया बच्चन फिलहाल विदेश में हैं, इसलिए इस बार दोनों अपने इस बेहद खास दिन को साथ रहकर सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, लेकिन सीनियर बच्चन अपनी उन यादों को ब्लॉग में पिरोना नहीं भूले। अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर उन्होंने अपने जिंदगी के उस खुशनुमा पल के बारे में बताया कि कैसे जया से उनकी शादी हुई थी। उन्होंने लिखा है, मैं उस सोसाइटी में 7th रोड पर एक किराए के घर में रहता था। हमने शादी का फैसला कर लिया था बिना किसी तामझाम के, केवल 2 फैमिली और यह शादी हो गई। हम लंदन गए और यही मेरी और जया की पहली ट्रिप थी। जंजीर सफल रही और एक वादा था कि यदि फिल्म सफल हुई तो हम सभी यानी हमारे दोस्तों का पूरा गैंग लंदन हॉलीडे के लिए जाएगा। हमने अपने पेरेंट्स से पूछा या कहें कि उन्हें बताया कि हम अपने सभी दोस्तों के साथ इंग्लैंड जा रहे हैं। बाबूजी की तरफ से सवाल आया कि कौन कौन जा रहे हैं। फिर नाम सामने आया, जया भी तुम्हारे साथ जा रही है, तुम दोनों अकेले जा रहे हो? हाँ, यदि तुम्हें आगे शादी करनी है तो जाओ। ओके, पंडित और फैमिली को सूचना दी गई। अगले दिन सबसेट, रात की फ्लाइट और फ्लाइट से पहले शादी होनी थी। मैं फॉर्मल इंडियन शादी वाले कपड़े में था, अपनी कार में बैठा और मालावार हिल तक ड्राइव करना चाहता था जहाँ जया रहती थी, और वहीं यह सेरेमनी होनी थी। मेरे ड्राइवर नागेश ने मुझे बाहर निकालकर कहने लगा कि शादी स्थल तक वह ड्राइव करके ले जाएगा, इसे शादी में इस्तेमाल होने वाले घोड़े का विकल्प समझ सकते हैं। JBPD के 7th रोड पर स्थित उस घर मंगल में सब कुछ वहां तैयार था और तभी बूंदाबांदी होने लगी। पड़ोसी भागकर मेरे पास आए कि कब शादी के लिए निकलो, बारिश एक अच्छा शगुन था। मैं निकला, कुछ घंटे में शादी हो गई और हम मिस्टर एंड मिसेस बन गए। अमिताभ बच्चन ने हिंदी में उन लोगों को भी शुक्रिया कहा जिन्होंने इस स्पेशल डे पर उनके लिए शुभकामनाएं भेजी है। उन्होंने लिखा है, विवाह जयंती को बस कुछ ही क्षण रह गए हैं, बहुत से लोगों ने बधाई भेजी है, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। जया तो विदेश में है लेकिन आपका स्नेह आदर उसे पहुँचा दूंगा।